कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही बीजेपी में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। कांग्रेस और जेडीएस के बागी विधायकों को मंत्री पद देने के सीएम बीएस येदियुरप्पा के फैसले पर विधायकों के सुर मुखर हो गए हैं। इतना ही नहीं, इस नाराजगी का कारण सीपी योगेश्वर भी बनकर उभरे हैं, जिनकी वजह से सरकार के सामने मुश्किलों का बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया है। कहते हैं कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। कर्नाटक में बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीएस में फूट डलवा कर अपनी सरकार बना ली और बागियों को अपना साथी बना लिया। इन्हीं बागियों के सहारे बीजेपी ने उपचुनाव में जीत भी हासिल कर ली, जिससे बाउंड्री लाइन पर खड़ी बीजेपी बाल बाल बच गई। लेकिन अब इन्हीं बागियों की वजह से बीजेपी की सरकार मुश्किल में घिर गई है। इसकी वजह है बीजेपी के विधायकों के बागी सुर। दरअसल सूबे में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। इस विस्तार में किसे मंत्री पद मिलेगा, इसकी लिस्ट सामने आई है, जिसमें सीपी योगेश्वर का नाम भी है। सीपी योगेश्वर न तो विधायक हैं और न ही विधान परिषद सदस्य। सीपी योगेश्वर को मंत्री बनाए जाने की अटकलों से बीजेपी के कई विधायक नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के करीब 6 विधायकों ने सीएम येदियुरप्पा के इस कदम को गलत बताया है। उनका कहना है कि अगर सीएम येदियुरप्पा अपनी मनमानी जारी रखते हैं तो हम इस सरकार में नहीं रहेंगे, यानी बीजेपी के 6 विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। विधायकों की ये बगावत जहां बीजेपी को कमजोर बनाएगी, तो वहीं कर्नाटक की सियासत में फिर से नया नाटक शुरू हो सकता है, जहां कांग्रेस और जेडीएस बीजेपी को मात देकर सत्ता पर फिर से काबिज होने की कोशिश करेंगे। अब देखना होगा कि कर्नाटक का ये नाटक क्या नया मोड़ लेकर आता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।